पे डाउट्स लिख सकते हैं, सामने दिख रहा है मुझे, ठीक है? कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, कुछ चाहिए हो तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? फिलहाल बेसिक मैथ का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं आयत किसे कहते हैं। थंबनेल देखकर आयोगे, वैसे थंबनेल बहुत मस्त बन रखा है। आयत किसे कहते हैं, उसका परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिलहाल में क्वेश्चन की। उतारे जल्दी से, 20 सेकंड आपके पास है, सिर्फ 20 सेकंड मात्र, तुरंत जल्दी से। तो फाइनली 29 मिनट लाइव हो चुका है, 29 मिनट का, कितने मिनट का और होगा पता नहीं, कुछ भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते जाएंगे आप सभी को। टाइम ओवर रफ कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट टाइप होगा आपका वर्ग का, ठीक है? ए बी सी डी, पॉइंट वाला सिखाऊंगे आप सभी को, पॉइंट वाला बहुत इजी होता है, पॉइंट वाला भी। चलो पहले सिंपल करो, ठीक है? ये आपको खुद से ट्राई करना है, क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको याद करना है परिमाप, एंड उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? निकालिए जल्दी से तुरंत, अब तो आंसर आ जाना चाहिए आपका भाई, दो बार सिखा दिया मैंने आपको, एक बार ट्राई तो करो कम से कम, ट्राई करना तो बनता है ना। परिमाप निकालो, क्षेत्रफल निकालो, फॉर्मूला आपको सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। एल का मान आप उधर का 6 सेंटीमीटर और बी का मान आप उधर का 2 सेंटीमीटर, फॉर्मूला पुट करिए और आपका आंसर निकल कर सिंपल सा आ जाएगा। क्या ही डाउट है इसके अंदर, क्या ही डाउट बताओ जरा, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है आपको, करो यार करो जल्दी से, डरा रहे हो भी मेरा बताओगा। चलो करो जल्दी से, करो, एक डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर पुट करना है आपको सिंपल सा, ठीक है? थोड़ा ये भी जरूरी है ना ऑफलाइन वाला फील, एकदम बिल्कुल एकदम समझता ही नहीं बिल्कुल एकदम भी, नटखट बालक। चलो जल्दी करो फटाफट फास्ट, परिमाप का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है भैया, ये देखो ये लिखा हुआ है, आपने लिखा तो थोड़ी देर पहले, एरिया का फॉर्मूला ये रहा, पुट करो जल्दी से। एल का मान लिख दूँ, देखो कितना है एल, एल का मान आपने निकाला यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। जल्दी परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है? करवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, पहले ट्राई करो उसका करवाऊंगा, करवाऊंगा लास्ट में करवाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले ट्राई तो करो कम से कम, ट्राई करना बनता है ना। बहुत ही सिंपल यार, फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर, लिखा हुआ था फॉर्मूला आपके लिए, मैंने एल का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया, ट्राई करना बनता है भाई, पहले ट्राई करके मुझे आंसर बताओ तुरंत, मन में सोच लो आंसर, ठीक है? कॉपी में लिख लो अपने, मैं समझ जाऊँगा, लिख लिया आप लोगों ने। आप देखते कौन कौन आंसर बताता है, किसने ध्यान से लेक्चर देखा है पूरा, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, आप कितने बच्चों ने ध्यान से देखा था लेक्चर को पूरा, कितने बस ऊपर से ऊपर ही देख रहे थे बस, कितने लोग मेरी सकल देख रहे थे, कितने लोग यहाँ पर देख रहे थे, देखते अब। निकाल दीजिए आंसर तुरंत, 10 सेकंड और इंतजार करता हूँ, आंसर बता दे, ठीक है? नहीं तो मैं खुद से करवाऊंगा फिर, जैसा करवाते आया हूँ आप सभी को, नहीं आता ना, चलो देखो यहाँ पर, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, दो ब्रैकेट में एल जमा बी, क्या है, दो ब्रैकेट में एल जमा बी, ठीक है? यहाँ पर आपको एल का मान और बी का मान पुट करना है, सबसे सिंपल था, ध्यान से देखिए, ठीक है? कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे होंगे मुझे पता है, एल का मान क्या देखा आपको, 6 देखा, 6 यहाँ पर पुट कर दो, 6 सेंटीमीटर, प्लस में बी का मान कितना देखा है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है भैया? दो ब्रैकेट में 6 2 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे वैसे ही गुणा का निशान आ जाएगा, 2 × 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है? क्या आ गया आपका, ये परिमाप आपका आ चुका है। अब मान लीजिए इसको वेरीफाई करना, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है भुजाओं का योग, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा, अगर ये 6 है तो आपका ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 6 12 12 2 14 14 2 16 16 यहाँ पर दे रखा है आपका, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए मैं कह रहा था। अब देखते क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एल इंटू में बी, यहाँ पे सिंपल सा एल एंड बी का मान रख दो, सिंपल सा आपको निकल जाएगा, तो एल का मान आपको देखा 6 सेंटीमीटर इंटू में बी का मान आपको देखा 2 सेंटीमीटर, 6 × 12 होता है तो 12 यहाँ पर लिख देंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, उतार लीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल था, इतना सा आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, चलो कोई बात नहीं, सीखो, सीखने वाली वीडियो है ये, हाँ पर सीख के प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? 20 सेकंड सिर्फ आपके पास है, उतार लीजिए जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने मुझे, इतने में आपके डाउट्स देखता हूँ मैं। ट्वेंटी सेकंड आप सभी पास में, उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे डाउट यहाँ पर आपके दिख रहे हैं मुझे,